लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है मिस्टर फाद। ये मामला स्कूल की रिप्यूट का है और अब तो बात बच्चों से हटके वालदैन तक पहुंच चुकी है। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च क्यों हो रहा है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ने तो बच्चों को स्कूल से निकालने का भी फैसला कर लिया है। हाँ, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए ताकि आपकी जगह मैं किसी जिम्मेदार टीचर को रख सकूं। ठीक है, अगर आप मेरी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं सकती तो मेरी तरफ से जरूर आप किसी और पर रख लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ बहुत दिल लगा के काम करता हूँ और इसकी गवाही जो है वो मेरे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, जो मेरे लेक्चर से बिल्कुल मुतमईन है। और आप मेरा रिजल्ट देख रहे हैं, 100% रिजल्ट। खैर, और सबसे अहम बात तो यह है कि मैं यहाँ पे बगैर किसी मुआवजे के पढ़ाता हूँ। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बाज़ुकात ऐसे हो जाते हैं। प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं, सबके घरों में मसले होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा काम सफर करे। बेहतर है कि आप इन मसलों के बजाय मुझे कुछ प्रोफेशनल रीजन देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। वैसे मैंने आपको टर्मिनेट तो नहीं किया है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि स्टूडेंट के प्रेशर की वजह से और टीचर्स की कमी की वजह से मैं आपके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगी तो आप मुझे अभी जानते नहीं हैं। और मैं आपको जानना भी नहीं चाहता। थैंक यू। बदतमीज कहेगा। इसी बात का इतना बड़ा वहम क्यों पाल लिया आपने? कल बस टकराया था, आज घर के बाहर आ गया, इतनी सी तो बात है। ये जरा सी बात नहीं है बेटा, अगर आज उसे नहीं रोका गया ना तो कल यही हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। इतनी मुश्किलों से चुप करके बैठी थी, ये जरा रोज रोज आवारा लड़कों का हमारे दरवाजे पे आना कितना अजाब बन सकता है, तुम नहीं समझ सकती ये बात। अम्मी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, इसलिए आपके कहने से पहले ही मैंने फायजा से बात कर ली है। तो फायजा को अच्छे से समझा दो, कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज के रास्ते में आते जाते मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रही है? माँ हूं, अपनी औलाद की तरफ देखने वाली नजर में कैसा रंग है खूब अच्छे से पहचानती हूँ उसे। अकाउंट्स में गड़बड़ आ रही है, पहली दफा नहीं है। एक फिल्म के हजार बार देखे सीन को जब एक मरतबा फिर देखना पड़े ना, बहुत तकलीफ होती है बेटा। तुम नहीं समझते ये बात। जी, मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये सीन आप ही ने बनाया हुआ है और ये आपके अकाउंटेंट्स भी जानते हैं। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही
वो ये है कि हर महीने प्रॉफिट्स कम कैसे हो रहे हैं? आपके प्रॉफिट्स कम नहीं हो रहे, दिखाए कम जा रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ अरसे में आप ये भी कहेंगे कि कंपनी का तो दिवालिया हो गया क्योंकि आपको लॉसेस हुए। फिर अपना मन पसंद आप बाहर लाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। फ्यूचर का अच्छा नक्शा खींचा है तुमने, लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो, अगर ऐसा हो भी गया फिर भी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे ही नाम होगी। मेरे नाम नहीं, एमन के नाम। उस बच्ची को तुमने अपने असाब पे सवार कर लिया है। वो तुम्हारी बहन जरूर है लेकिन सौतेली बहन। बाप का खून कभी सौतेला नहीं होता। बाप का खून कभी सौतेला नहीं होता, औलाद का खून भी सफेद नहीं होता। तुम पर कोई असर नहीं होता कि तुम्हारा बाप तुमसे क्या चाहता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आप भी समझ लें कि मैं क्या चाहता हूँ। मेरा जो कुछ भी है वो एमन का है, और जैसे ही एमन इस काबिल हो जाएगी कि वो ये सब कुछ संभाल ले, तो ये सब कुछ मैं उसके नाम कर दूंगा। हाँ, कर दूंगा मैं तुम्हें। शौक से कीजिए, लेकिन तब तक अपने अकाउंटेंट्स को समझा लें कि ये घपले करना बंद कर दें, क्योंकि जिस दिन मैंने हिसाब लेना शुरू कर दिया ना, उस दिन उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो आ जाओ, ले लो हिसाब, अपनी जिद छोड़ दो, वापस आ जाओ एमन के साथ। इसका जवाब तुम अच्छी तरह जानते हो। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? जब से कॉलेज से आई हो मूड सही नहीं लग रहा, कुछ हुआ है क्या? हाँ अभी सब ठीक है। वो एक्चुअली काफी दिन बाद गई थी ना कॉलेज, कॉलेज भी बदल गया है, तो इसलिए बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ऐसा होता है, जब हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब आदत सी हो गई है, तुम्हें भी हो जाएगी। घर पे वो लड़का आया था जिसकी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। हमारे घर? क्यों और कब आया, और मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? क्या बोल रहा था वो? पता नहीं, तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। क्या तुम्हारी कोई उससे बात, मतलब? नहीं आपी, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, और मैं क्यों उससे बात करूंगी? आपके कहने का मतलब है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा और मलिया का मिजाज बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ बिल्कुल आपी, आप यकीन करें, मैंने गाड़ी में बैठ के उससे एक दफा भी बात नहीं की, और मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। प्लीज फायजा, वो तुमसे बात करने की कोशिश भी करें तो प्लीज बात ना करना। अम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी। क्या मतलब? अम्मी ये समझ रही कि मैंने उसे? नहीं नहीं नहीं, अम्मी कुछ नहीं समझ रही, ऐसा कुछ नहीं समझ रही। वो जानती है अपनी बेटियों को। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ समझ रही। प्लीज ख्याल रखना। Thank you.
सच बताओ यार। कसम से सच बता रही हूँ। पता है वो मेरा इंतजार भी कर रहा था और आप ही ने बताया कि वो घर भी आया था। इसका मतलब तुम्हारी स्टोरी शुरू। और वैसे भी कहानी का आगाज तो फिल्मी अंदाज में हुआ ना, सड़क पर गाड़ी से टक्कर। बस 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 रुक जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। क्या हो गया है? बस बस ज्यादा बनो नहीं, मान लो कि तुम्हारा चक्कर चलने वाला है। आहिस्ता बोलो, अम्मी ने सुन लिया ना तो जान से मार देंगी मुझे, वैसे उनके दिल में शक भर गया है। लो भाई, कर ली मोहब्बत तुमने। खिजर इधर आओ। क्या मैं तुम्हारे साथ हेल्प करा देती हूँ थोड़ी। ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है तुम्हें? मारा है नजीर भाई ने। क्या? आज इस नजीर के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं 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 आयशा, नहीं, ये आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चलो जरा मेरे साथ। तुम्हें मारा क्यों? चलो आयशा रुक जाओ, चलो जरा, इसको तो मैं बताती हूँ आज। क्या तमाशा लगाया हुआ तूने? क्या बकवास कर रही है तू? क्यों मारा तूने इसे? देख आयशा, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरा हाथ उड़ जाएगा तुझ पे। शर्म नहीं आएगी लड़की पे हाथ उठाते हुए? ए, तू बीच में मत बोल, समझी? वरना वरना क्या? हाँ क्या कर लोगे? वरना एक दूंगा घुमा के तेरी पतीसी निकाल के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा। चलो बलिया, लेके जा इसे यहाँ से। छोड़ो अम्मी, मुझे देखने दे, इसकी जुर्रत कैसे हुई? मैं फिर कह रहा हूँ मुझसे मत उलझो वरना। खबरदार, अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरा। शुक्र है कि फाहद भाई टाइम पे आ गए थे, वरना उस नजीर ने मलिहा और अम्मी को तो। ये सब कुछ आयशा की बेवकूफी की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? सही कह रही हूँ, कहते हैं नादान दोस्त से दाने दुश्मन बेहतर है। आपी अम्मी जमीन पे गिरी हुई थी और मुझे मुझे लगता है अम्मी को जरूर चोट भी लगी होगी। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि उनको पैर रखने में तकलीफ हो रही है,
मैं ऐसा करती हूँ, पर्स लेके आती हूँ, एक बार अम्मी को क्लिनिक में दिखाएंगे ना तो तसल्ली हो जाएगी। अभी बैठ जा, अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। अरे ये फहद वही लड़का है ना जो तुम्हारे स्कूल में टीचिंग करता है, और तुम बता रही थी कि तुम्हें काफी तंग भी करता हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम भी है। हाँ वही है। मलिया उसने आज हमारी मदद की है, उसी तरह जैसे पहले अम्मी के लिए। अम्मी आपको चोट लगी है ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, काफी देर से बैठी हुई थी ना, तस्बीह पढ़ रही थी तो शायद देर तक बैठे रहने से पांव सुन हो गया। अम्मी छुपाए तो नहीं ना? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है। अम्मी आप प्लीज मेरे साथ चलें, ये पास में क्लिनिक है, मैं आपका चेकअप करवा देती हूँ वहाँ से। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों बहस कर रही हो? अम्मी आप ठीक नहीं, आपको तकलीफ हो रही है। अच्छा अब तुम तीनों जो हैं मेरी बात गौर से सुनो, ये लड़ाई वाली बात साकेत को नहीं पता चलना चाहिए। क्यों अम्मी? बेटा मर्द है, जज्बात में आके उनसे लड़ने पहुंच गया तो उसकी अम्मी तो यही समझेंगी ना कि हमारी लड़ाई में हमने उनके बेटे को घसीट लिया। साकिब और महनाज की बात बनते बनते फिर रह जाएगी। आपी अम्मी आपके पाँव में ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक हूँ मैं बस। क्या बात है आपी, आपसे जब भी साकिब भाई के रिश्ते के लिए बात की जाए आप अपसेट हो जाती हैं। आपको पता है ना जमाल भाई से आपकी शादी खत्म हो चुकी है। मुझे पता है आप मेरी बड़ी बहन है, लेकिन आप मेरी दोस्त भी तो हैं, तो फिर दोस्तों के बीच तो कुछ नहीं छुपता ना, तो आप मुझे बताएं आप क्यों साकिब भाई को इनकार कर रही हैं? क्या आपके दिल में जमाल भाई के लिए अभी भी मोहब्बत है? नहीं नहीं करती मैं उससे मोहब्बत। उसको अब्बू ने पसंद किया था मेरे लिए, और अब्बू का फैसला मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनको इनकार नहीं कर सकती, और शायद इसी वजह से वो ताल्लुक था। अगर शादी हो जाती तो शायद वो ताल्लुक मोहब्बत में भी तब्दील हो सकता था, लेकिन वो नहीं रहा, तो इसलिए मैं जमाल के बारे में कुछ नहीं सोचती। तो फिर जब आपको जमाल भाई से मोहब्बत ही नहीं है तो साकिब भाई को इनकार करने की वजह? वो तो हमारे अपने हैं ना, और आपसे बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं। मुझे तुम्हें लगता है कि साकिब के दिमाग में ये सोच आ सकती है कि मैं उसकी मोहब्बत को इसलिए कबूल कर रही हूँ क्योंकि मुझे जमाल ने ठुकरा दिया? वो तो मुझसे कब से शादी करना चाहता था, वो तो अब्बू थे जिन्होंने मना किया, इनकार किया इस शादी से, और उसी इनकार की वजह से खाला और खालू के दिल में खलिश पैदा हुई। आप ही साकिब भाई ऐसा क्यों सोचेंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं कि आपने उन्हें इनकार नहीं किया था। साकिब भाई बहुत अच्छे हैं, मोहब्बत करते हैं आपसे और आपसे शादी करना चाहते हैं, और आप इनके फजूल के ख्यालात को बुनियाद बनाकर आप उन्हें इनकार करेंगे? आप भूल जाएं हर बात, निकाल दें अपने दिल से फजूल के अंदेशे और साकिब भाई से शादी करें। मलिया मुझे डर लगता है कि साकिब मेरी हामी को मेरी मजबूरी ना समझ ले। वो नहीं समझेंगे, मुझे यकीन है कि शादी के बाद वो आपको बहुत खुश रखेंगे। और प्लीज छोटी छोटी बातों पे रोना बंद कर, खास तौर पर इस बात पे तो बिल्कुल भी नहीं।
वादा करें, आप आज के बाद कभी भी नहीं रोएंगे। देखो साकिब, तुम्हें लोगों की समझ नहीं है। जहां किसी ने प्यार से और मीठे लहजे में तुमसे बात की, तुम्हारा दिल पिघल जाता है। हमने तो बड़े खुलूस और इज्जत से उनसे रिश्ता मांगा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अम्मा, जो होना था वो हो गया। उस वक्त की बात कुछ और थी और अब। यही तो कह रही हूँ, उस वक्त की बात और थी, अब बात बदल गई है। उस लड़की की बारात दरवाजे से चली गई है, अब उसके दरवाजे पे कोई बारात नहीं आएगी, इसीलिए वो इतना प्यार जता रहे हैं तुमसे। अम्मा, मैं महनाज से मोहब्बत करता था और उसी से शादी करूंगा। लेकिन साकिब, मैं रिश्ता लेकर नहीं आऊँ। ऐसा ना करे अम्मा। चलो मैं मान जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू बिल्कुल राजी नहीं होंगे। आप कोशिश तो करें अम्मा, मुझे पता है अगर आप चाहेंगी तो बाबा भी मान जाएंगे। देखो साकिब, जिद मत करो। दुनिया में एक से एक हसीन लड़कियां पड़ी हैं तुम्हारे लिए, सिर्फ एक महनाज नहीं है। अम्मा, महनाज भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ महनाज से ही करूंगा। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। मैं जितनी कोशिश करता हूँ ना कि मोहल्ले में जरा हमारी इज्जत बन जाए, तुम दोनों भाई मेहनत करके उसे तबाह बर्बाद कर देते हो। गुस्सा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बराबर वाले से जाके लड़ो। उस बच्चे पे कुलसूप पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अब्बा, तुम तो माँ थे ही नहीं। अगर होते ना अपनी आंखों से देखते क्या तमाशा लगाया था उस छिपकली के मुंह वाली ने, तो तुम्हारा भी हाथ उठ जाता। अबे ओ, मैं रिश्ते की बात कर रहा, वो तो सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया तुमने। अब्बा, ये रिश्ता तो होना ही नहीं है। रिश्ता नहीं हो रहा साहब। हेलो, हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। चल दे, कबीर आ रहा है, चल निकल। बात। मलिया, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता हूँ, इसलिए तुमसे सब बातें खुल के करना चाहता हूँ। आप मुझसे हर बात कर सकते हैं, बस किसी से सिफारिश के लिए मत कहिएगा। कोई खास बात है क्या? हाँ, बहुत खास बात है मेरे लिए, इसलिए तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। अच्छा, बताएं क्या मशवरा दूँ आपको? अगर हालात ऐसा रुख इख्तियार कर लें कि मेरे घर वाले महनाज से शादी के लिए इनकार कर दें, तो क्या तुम लोग और खाला मेरी महनाज से शादी नहीं होने दोगे? क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं साकिब भाई? और क्यों, क्या समीना आंटी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है? अम्मी को मनाना आसान है, लेकिन तो अंकल अभी तक उस बात को भूले नहीं है। पापा ऐसे ही हैं मलिया, कि एक बार बात लग गई तो बस लग गई। लेकिन मैंने फैसला कर लिया और मेरे फैसले के बारे में सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लोग ना भी माने तो भी आप शादी करना चाहते हैं आप ही से? देखो मलिया, प्लीज मुझे गलत ना समझना, मैं हमेशा से महनाज से बहुत मोहब्बत करता था और उसी से शादी करना चाहता था। अम्मा ने बहुत चाहा कि महनाज का रिश्ता हो जाने के बाद। साकिब भाई, आंटी और अंकल की रजामंदी के बगैर ये शादी कैसे हो सकती है? देखिए, आखिरकार आप ही ने तो अंकल आंटी के साथ ही रहना है ना, उनकी नापसंदीदा बहू बनकर।
मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे कल ही शादी करनी है मलिया? वो सब तो ठीक है साकिब भाई, लेकिन घर वालों की रजामंदी बहुत अहम होती है। मैं उन लोगों को मना लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन साकिब भाई प्लीज मलिया, मैं इस लेकिन वर्ड के बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूँ। तुम अपनी बात बताओ। मेरी बात कुछ अहमियत नहीं रखती है साकिब भाई। अल्लाह ताला अम्मी को सलामत रखे, इस घर के सारे फैसले अम्मी ने करने हैं। हाँ, अगर उन्होंने मुझसे मेरी राय पूछी तो मैं आपके हक में ही फैसला दूंगी। ठीक है। कितना गलत समझा था उस फाहद को, और कितनी बातें सुनाती रहती थी ना हर वक्त बेचारे को, और ये तो मेरे ही घर वालों की मदद करता रहता था। कल भी अगर ये ना होता तो न जाने अम्मी को क्या हो जाता। उफ़ अल्लाह, क्या सोच रहा होगा वो कल से मेरे बारे में कि मैं कितनी लड़ाका हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये वही फाहद है जिसका फायजा ने बताया था, वरना क्या मैं ये सब कुछ करती। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी आइए बैठिए। वो मैं कल स्कूल नहीं आ सकूंगा, मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। देखें फाहद साहब, आपने अभी तो छुट्टी की है, और अगर आप रोज रोज छुट्टियां करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास पहले ही टीचर्स की बहुत कमी है, और ऊपर से बच्चों के वालदैन हमसे उनकी लो प्रोग्रेस के बारे में सवाल करते हैं। देखिए, मैं कोई अपने शौक से छुट्टियां नहीं करता, मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। मैं जानती हूँ फाहद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन स्कूल के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना आपको। वैसे एक बात पूछनी थी, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा नहीं, वो मुझे लगा कि आज आप नरमी से बात कर रही हैं तो इसलिए पूछा कि सब ठीक है। खैर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। फहद, अब वो मैं कल फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अगर कल आप ना होते तो। इसमें शुक्रिया की क्या बात, मेरी जगह शायद कोई भी मर्द होता तो वो यही करता। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि कल तो वहाँ सारा मोहल्ला मौजूद था, पर किसी मर्द में हिम्मत ना हुई कि वो उन बदमाशों को रोकता या जबान से टोकता। मैम आप मेरी शायद बात समझ नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर कोई मर्द होता वहाँ तो शीरन चंद की कभी भी हिम्मत ना। वैसे मुझे कल ही पता चला है कि आपने एक बार पहले भी हमारी मदद की थी। अच्छा प्लीज उस बात को छोड़िए। वैसे आप जिस नरमी और राजसी से मुझसे बात कर रही हैं, ये कुछ खास सूट नहीं करता। जी जी शीज़। हेलो, फिक्र ना करो, बस मैं आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ है? प्लीज मुझे एक इमरजेंसी है, किसी और से कहिएगा कि वो मेरी क्लास ले ले आज। थैंक यू। क्या हुआ फहद, क्या कहा डॉक्टर्स ने? शे कह रहे हैं कि कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बुखार हो रहा है। अच्छा आप ठीक है, आप परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगी जल्दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे पता क्यों नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद नींद की वजह से निढाल हो रही है। बच्चे हैं फहद, बीमार हो जाते हैं, आप खुद को तो इल्जाम ना देना।
सर इसको दवाई देनी है, इसकी दवाई का टाइम हो गया। इमन इमन बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो, को दवाई खानी है ना? याद आया फाहद, इसने तो कुछ खाया ही नहीं है और ऐसे खाली पेट दवा देना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं इसके लिए जूस बनाऊंगा। रुको पापा, मुझे जूस नहीं पीनी। बेटा आप जूस नहीं पियोगी, कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? आपको दवाइयां भी तो देनी है। नहीं, ऐसा करती हूँ फाहद, मैं इसके लिए चिकन का सूप बना देती हूँ बगैर नमक मिर्च के। यू, मुझे सूप बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं आपके लिए शेक बना दूं स्ट्रॉबेरी का, आपको पसंद है ना इमन? ठीक है, आप इसे देखिए, मैं इसके लिए शेक बना के लाती हूँ। मलिया ने तुमसे बात की? पूछ रही थी ये नए कुक का करना क्या है। मैंने कहा ट्रायल बेस पे, अभी तो जब तनख्वाह देने की बात आएगी तो किसी बहाने से निकाल देना। अच्छा, ये इरादे हैं। तुमने क्या बात की मलिया से? मेरी बात हुई थी उससे, तुम्हारे और मेरे हवाले से। मैं फिर भी जानना चाहती। तुम जानना चाहती हो? सुनो, तुम्हें इनकार तो नहीं है ना मुझसे शादी करने से? इस चीज का फैसला तो अम्मी करेंगी मेरी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अम्मी भी तो किसी से उसकी रजामंदी पूछेंगी ना। तो उसकी रजामंदी भी आप अम्मी से ही जान लीजिएगा। देखो मैं मोहब्बत का इजहार ना बार बार नहीं करते, उस बात की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन मोहब्बत का इजहार तो करते रहना चाहिए ना। मेरे सामने रोज रोज मोहब्बत की ना राग ना गाया कर। सॉरी, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा कर नहीं सकता, क्योंकि आजकल दिल की मुझ पर चलती है, मेरी दिल पे नहीं। मेरी बातें भी ना, अब कैसी तबीयत है अमन की? बुखार उतरा, खांसी कम हुई इसकी? वही हालत है, मुझे लग रहा है ये मेडिसिन सूट नहीं कर रही, शायद किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फहद, इसे बुखार तो नहीं है, अब खांसी में भी फर्क है, सुबह जैसी कंडीशन नहीं है अब इसकी। तुम ठीक से देखो, इसे बुखार है अभी भी। अरे फहद, इतना गर्म तो एक आम आदमी का भी माथा होता है जिसे बुखार ना हो। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये कुछ खा रही है, बस थोड़ी सी चाय पी है और क्या, एक दो बिस्किट खाए। ऐसा होता है फहद, बुखार की हालत में कुछ खाने को दिल नहीं करता। एमन की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए फिर एमन सब खाएगी। आपने देखा ना, अभी इसने जूस पिया है। फहद, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ लेके आऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। जब तक एमन ठीक नहीं होती मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। फहद, इस तरह अगर तीमारदार ही बीमार पड़ गया तो बीमार क्या करेगा? फिर लाऊं आपके लिए खाना?
जी अम्मी ठीक है मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। अल्लाह हाफिज। खाला मुझे अभी लाहौर के लिए निकलना होगा। क्यों बेटा, सब खैरियत तो है, इस तरह अचानक? अभी मेरी अम्मी से बात हुई थी, दूल्हा भाई ने बहन को घर भेज दिया है और बच्चों को अपने पास रोक लिया। या अल्लाह खैर। मुझे अभी निकलना होगा, बाकी की सूरत हाल मैं आपको वहां पहुंच के बताता हूँ। ठीक है बेटा। मैं नाज बेटा, साकिब के सारे कपड़े। नहीं खालिस, की जरूरत नहीं है, वहां पे सब मौजूद है पहले से। मुझे निकलना होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।